तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू करके टारगेट किया जाता है शैम्पूज को, तो क्या वाकई में शैम्पू एंटी डेंड्रफ होता है? दूध से नहाना क्या वाकई में स्किन में ग्लो पैदा करता है, भले ही वो टेम्परेरी लेवल के लिए फायदा करे? डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्या ये सच्चाई है? हाँ तो मेगा, डार्क सर्कल्स को लेके आजकल बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं, यूथ्स में भी हो रहे हैं। मैं यदि आपके पास आऊँ, मुझे कितने दिनों में आप जवां सुंदर बना देंगी दोबारा से? आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट नमस्ते हैं। दोस्तों, अ टॉक विद डॉक्टर निशांत में, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ वो शख्सियत रहती हैं जो समाज में एक विशेष विधा में, विशेष विषय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथ चिकित्सक हो, आयुर्वेद चिकित्सक हो, या फिर होम्योपैथ के चिकित्सक हो। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा। नमस्कार आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर मेघा जो है एक एस्थेटिक सर्जन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और पूर्व में एम्स ऋषिकेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हाल में ये अपना क्लिनिक चला रही हैं फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर, और आगे की श्रृंखला को, आगे की यात्रा को हम इनके साथ लेके चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये सेशन। तो डॉक्टर मेघा, प्लीज़ बताइए अपने बारे में। थैंक यू मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल, एंड आपके बहुत सारे वीडियोस तो मैं ऑलरेडी देखती ही रहती हूँ, तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं एक अच्छा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ। मैं हूँ एक स्किन स्पेशलिस्ट जो कि स्किन, हेयर और नेल्स से डील करती हैं, एंड साथ साथ एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी मैं करती हूँ, एंड हेयर ट्रांसप्लांट भी, जो कि हेल्प करता है हेयर रीग्रोथ में भी। और एस्थेटिक प्रोसीजर्स जैसे कि बोटॉक्स, फिलर, जो कि इंसान को ब्यूटिफाई होने में और जो भी हल्की फुल्की परेशानियाँ हैं स्किन में, वो ठीक करने में मदद करता है। सबसे पहले आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो एक बहुत ज्वलंत समस्या है सभी के लिए, बहुत सारे टीवी एड्स और सोशल मीडिया एड्स आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, तो कितना सेफ है, किस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑप्ट करना चाहिए हमारे ऑडियंस को, प्लीज हमें हेल्प कीजिए, और किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी स्किन को आगे चल के खराब कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलने चाहिए, बट बिकॉज ये एक बिजनेस बन चुका है, ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आजकल एक छोटे छोटे बच्चों को भी उनके नाम पता चलने लगे हैं विद इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर टीवी एड्स के थ्रू। तो ये मुझे लगता है जैसे कि ट्रिनेक्सामिक एसिड हो गया, रेटिनॉल्स हो गया, विचार, जो कि जो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलने चाहिए। और जहाँ तक ये दावा करते हैं कि गोरा करने का और चीज़ें पिगमेंटेशन को हटाने का या यंग रखने का, तो इसका पूरी तरह से मैं खंडन भी नहीं करूँगी, बट हाँ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इस चीज़ के लिए परफेक्ट डॉक्टर है या फिजिशियन है, मुझे लगता है वो अगर प्रिस्क्राइब करे या बताए, क्योंकि हर स्किन टाइप डिफरेंट होती है और हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑयली स्किन के लिए हम ड्राई प्रोडक्ट्स, आई एम सॉरी, ऑयली प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ही दे दें, तो इस चीज़ को हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ टीवी एड्स पे ना जाकर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से, जो कि एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, ना कि आजकल डेंटिस्ट भी, एंड यू नो देयर आर सो मेनी अदर फील्ड वाले लोग भी एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग द एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स, तो वो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट, ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी सेफ, क्योंकि अगर मैं एक ड्रग का बहुत इम्पॉर्टेंटली बात करूं, तो स्टीरोइड क्रीम्स जैसे बहुत कॉमनली बहुत समय से, आज से नहीं, चलो ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आज ज़्यादा बूम में हैं, आए हैं, लेकिन ये स्टीरोइड क्रीम्स बहुत ही सालों से, बहुत डेकेड्स से हमारे सोसाइटी में चल रही हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। लोग अपने घरों में इसको रखते हैं, उनको लगता है पिंपल्स को कम करने के लिए स्टीरॉयड काम करता है, या फिर कोई भी बर्न हो जाए, कट हो जाए, तो वो स्टीरॉयड क्रीम जैसे बेटनोवेट, पैंडम, क्वाड्रीडम, इस टाइप की क्रीमें लगा लेते हैं, जबकि कोई भी एक मेरे अकॉर्डिंग एक एजुकेटेड डॉक्टर कभी इस टाइप की क्रीम्स प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो ये चीज़ें बहुत अनसेफ हैं, क्योंकि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर वेरी ब्रूटल, ब्रूटल इन द सेंस कि यही क्रीम्स आपके स्किन में स्ट्रेच मार्क्स उत्पन्न कर सकती हैं, यही क्रीम्स आपके फेस पे बाल लाके ला सकती हैं। अच्छा, हाँ जी, और स्ट्रेच मार्क्स तो उस हद तक कि आपकी स्किन फिर वापस कभी हील नहीं हो सकती। ओके, बिकॉज वो बहुत थिनिंग कर देती है स्किन की, और सारी जो वेसल्स हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाती हैं, तो वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उस टाइप के कम से कम 80% पेशेंट्स आते हैं। तो मैं सबसे पहली गुजारिश मेरी यही रहेगी कि जिस टाइप की क्रीम्स जो कि ओवर द काउंटर
मेडिकल शॉप से या किसी भी झोला छाप डॉक्टर से मिल जाती है वो ना यूज करें, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें एंड देन ओनली उनको यूज किया जाए। आजकल एक नाम बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाता है, हेलेरुनिक एसिड, तो क्या वो सेफ है हमारी स्किन के लिए, वो क्या यूज करना, क्या लोगों को बताना, वो प्रोटोकॉल है कि बताया जाए? हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली इज नॉट हार्मफुल, बट इट पर वो डिपेंड करता है कि कितने कंसंट्रेशन में हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट क्रीम्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ हाइलुरोनिक एसिड आता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम आपकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करना होता है और साथ साथ आपकी स्किन को सपल बनाना, मतलब हाइड्रेटेड रखने का काम होता है। बट हर इंसान इसको नहीं यूज करे, क्योंकि अगर ऑयली स्किन वाले, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन वाले हाइलुरोनिक एसिड को यूज करेंगे तो इट माइट हैव एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो। तो कोशिश करनी चाहिए कि सही कंसंट्रेशन सही डॉक्टर से ही सलाह लेके लगाएं। देखिए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, प्रेस्क्रिप्शन ले, कंसल्टेशन ले, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति को घर में अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी टिप्स दीजिए मुझे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आम जनता के पास अगर समय नहीं है सिर्फ स्किन को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए, तो एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा पदार्थ होता है, जो कि आई थिंक आपको तो ज्यादा पता होगा बिकॉज़ आप इस चीज से ही डील करते हैं। मेरे इंटरेस्ट लेवल की बात कर दी आपने। यस, तो एलोवेरा के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरीज होते हैं जो कि स्किन को काम और इरिटेशन से बचाने का काम करती हैं। तो अगर आप कोई और मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन नहीं चूज कर पा रहे हैं तो एलोवेरा इज अ वेरी सेफ ऑप्शन, एंड एट द सेम टाइम आप कोकोनट ऑयल which is always available, जो घर में हमेशा available रहता है सभी घरों में, तो coconut oil भी use किया जा सकता है, but not in acne prone skin, उन लोगों में नहीं जो acne के लिए बहुत ज़्यादा जिनको कील मुहाँ से अक्सर निकलते रहते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। And specially जो कि बहुत ज़्यादा जिनको कुछ एक conditions होती हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे atopic dermatitis में oils नहीं avoid करने चाहिए, और क्योंकि वो क्या करते हैं आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर उससे और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो कुछ एक कंडीशंस में नहीं यूज करना चाहिए, बट बेसिकली इस ज्यादा ये सबसे सेफ चीजें हैं। और बच्चों में भी कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड, मतलब मुझसे आके अगर कोई पूछता है एलोपैथिक कोई आप मॉइस्चराइजर बता दो बच्चों में, तो मैं हमेशा ही सजेस्ट करती हूँ कोकोनट ऑयल। एक तो उसमें विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है, आपको तो पता ही है, एंड इट इज उसमें फैटी एसिड्स होते हैं विच आर गुड फॉर स्किन। चलिए, आपने चूंकि विटामिन ई का नाम लिया है, विटामिन ई के कैप्सूल्स तो आजकल हर व्यक्ति यूज कर रहा है, घर में यूज कर रहे हैं, बार्बर्स यूज कर रहे हैं, कितने ज्यादा सेफ है, यूज किया जाना चाहिए, कोई उनका यूज है भी या केवल समाज में बस वो आ गए और यूज होने लगे? वो समाज में आ गए हैं और अभी वो बहुत ही वाइडली यूज हो रहे हैं, आई नो, लेकिन उसको खाने के बाद तो थोड़ा बहुत आई कैन से कि उसका यूज है, लेकिन लगाने का ऐसा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी स्किन इतनी परमेबल होती है और वो इतना थिक मॉलिक्यूल है, वो कभी भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो ये जो लोग कर रहे हैं आजकल कि विटामिन सी के साथ विटामिन ई मिला के एंड देन वो लगा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इरिटेशन ही देगा, तो इसका ऐसा कोई यूज़ नहीं है। विटामिन ई जो होता है हमारी बॉडी में खुद से बनता है, मतलब मैं ये मान सकता हूँ भले ही कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी कुछ भी है, आपको बता रहा है कि विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ के आप उसमें डाल लीजिए, ये मिला लीजिए, वो कर लीजिए, सब बकवास है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, एक पुरानी कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो, ठीक है, दूध से नहाना क्या वाकई में स्किन में ग्लो पैदा करता है, भले ही वो टेम्परेरी लेवल के लिए फायदा करे या कुछ थोड़ी देर के लिए हमें कुछ और फायदे दे, दूध लगाने का क्या वाकई में फायदा नहीं, है? नहीं, ऐसा कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो हम कोई भी ऐसा सोप जो कि ग्लिसरिन ओरिएंटेड सोप्स होते हैं वो यूज कर लें। ऐसा कोई फायदा नहीं है दूध को लगाने का। अगर न्यू बॉर्न बेबी है, मैंने तो कई बार एक्सपीरियंस लिया है क्योंकि मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ, और न्यूबॉर्न बेबी में महीने, दो महीने, तीन महीने पुराना जो बच्चा है, यदि उसको दूध लगाया जाए तो वाकई में उसकी स्किन ग्लो करती है, मैंने ऐसा देखा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट अ मिथ, मतलब मुझे लगता है कि ये मिथ है, आप इसको ज्यादा जानते होंगे क्योंकि मेरा एलोपैथी से ज्यादा कॉन्टेक्ट है, तो मैं इस चीज को कम ही जान पाती हूँ। एलोपैथी एंड डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्या ये सच्चाई है? बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छे नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं हम कौन सी एज ग्रुप में इसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि एडोल्सेंट्स एंड यंग एडल्ट्स में ये काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स, जैसे कि ये एक्ने प्रोड्यूस करने में, एक्ने ब्रेकआउट्स में कारीगर होते हैं। तो
डेयरी प्रोडक्ट्स को का पूरा ही पूरा लिंक है एक्ने के ब्रेकआउट्स में, तो कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें इन इस एज ग्रुप में स्पेशली. तो यस, इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं. अच्छा, साइड इफेक्ट्स क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं थोड़े से सीबोजेनिक होते हैं एंड इनके अंदर एक हॉर्मोन्स होता है एंड्रोजन, जो कि एक्ने के ब्रेकआउट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और साथ में इसमें जब भी हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज होता है, सिक्रीशन. इसके जो अमीनो एसिड्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है एंड ये भी एक्ने का एक कॉज होता है. कॉज होता है जी. चलिए, एक्ने पिंपल्स की यदि बात आई गई तो मैं आपको भी बता दूं, हमारे आयुर्वेद में तो इसको बोला जाता है युवान पीढ़ी का. हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो मैम. युवान पीढ़ी का मतलब यौवन, जो नवयुवक हैं. पीढ़ी का मींस थोड़े फुंसी. तो एक्ने पिंपल्स को युवान पीढ़ी का बोला जाता है. इस युवान पीढ़ी का को रोकने के लिए या हो जाए उसको ठीक करने के लिए बेस्ट होम रेमेडी आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि डेयरी प्रोडक्ट्स को जितना कट डाउन हो सके करें, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक है एक्ने ब्रेकआउट्स में. सेकेंडली ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग जो लोग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली करते रहते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दें. और अगर करनी भी है फॉर द मसाज पर्पस तो वो नहाने से जस्ट पहले कर सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज शुगर, शुगर्स लाइक चॉकलेट्स एंड जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो कट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को वो करती है एंड एक्ने में कारगर होती है. वाकई में डॉक्टर मेघा बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ इस पॉडकास्ट में, बहुत नई नई बातें जानने को मिल रही हैं. हेयर ऑयलिंग की आपने बात की है, तो क्या बालों में तेल लगाना हानिकारक है या कुछ समय के लिए किसी स्पेशल कंडीशन में हम लगा सकते हैं? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये हमारे ऑडियंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आज मुझे हेयर ऑयल करने की ज़रूरत है और आज मुझे हेयर ऑयल नहीं करने की ज़रूरत है? और साथ ही में दूसरा क्वेश्चन मैं एडअप और करना चाहूँगा कि चूंकि जेंट्स में एक आदत होती है पूरे दिन प्रतिदिन हेयर ऑयल करने की, महिलाएँ हफ्ते या 10 दिन में एक बार करती हैं, जबकि उनके बाल हमसे ज़्यादा लंबे होते हैं. तो यदि तेल लगाने से वाकई में बाल लंबे होते तो महिलाओं के तो फिर बहुत छोटे हो जाने चाहिए थे, जबकि उनके बाल बड़े होते हैं. तो कुछ इस पर रोशनी आप जरूर डालिए प्लीज. यस, हेयर ऑयलिंग का एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हेयर ग्रोथ के साथ. हेयर ऑयलिंग हमारे पुराने जमाने से जो होती आ रही है वो सिर्फ एक मसाज जो कि सर्कुलेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है. ऑयल हमारी बॉडी अपने आप सिक्रीट कर लेती है. जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो सीबम जो है अपने आप ही सिक्रीट कर लेते हैं. तो एज सच हेयर ऑयल का कोई रोल नहीं है, बट हेयर ऑयल अकेले मसाज करने की बजाय हमारी दादी परदादी हेयर ऑयल के थ्रू मसाज करते थे, तो उसका अपना एक रोल है डेफिनेटली कि मसाज से सर्कुलेशन बढ़ती है और सर्कुलेशन पे बालों का जो ग्रोथ है या यू कैन से हेयर फॉल थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट अदरवाइज हेयर ऑयल का कोई रोल नहीं है. किन कंडीशंस में आपने मुझसे पूछा कि नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले तो एक्ने वाले पेशेंट्स को, जिनका जो कि जिनकी स्किन प्रोन है एक्ने के लिए. सेकेंडली जिनको डैंड्रफ है. काफ़ी लोगों को लगता है कि डैंड्रफ ड्राइनेस की वजह से हो रहा है और हमें ऑयलिंग लगाने से वो ठीक हो जाएगा, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. इट इज़ बिल्कुल ऑपोजिट. डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन के प्रकार का है जो कि ऑयली मीडियम में ग्रो करता है. तो कोशिश करनी चाहिए जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है वो ऑयलिंग बिल्कुल बंद कर दें फॉर सम टाइम. एंड थर्ड थिंग, किस चीज़ में लगाना चाहिए? देर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि सोरियासिस, शायद वो भी आपको पता होंगी, क्योंकि सोरियासिस का ट्रीटमेंट जब एलोपैथिक से पेशेंट परेशान हो जाता है तो आयुर्वेद में ही जाता है, तो उसमें हेयर ऑयलिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है. काफ़ी हेल्पफुल. हाँ जी, क्योंकि बेसिकली सोरियासिस आपको पता ही होगा कि वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारी जो स्किन है, जो हमारी चमड़ी है, वो एक ज़्यादा रेट पर बढ़ने लग जाती है और वो ड्राइनेस का पैचेस बना देती है. तो उसको काउंटर करने के लिए, हाइड्रेशन के लिए ऑयल इज गुड. चलिए, आयुर्वेद में मैं बता देता हूँ, उसको किटिब रोग बोला जाता है. किटिब रोग, किटिब, आप भी जानते रहिए ना साथ. हाँ, साथ ये भी इम्पोर्टेंट है. कभी कोई पेशेंट आके मुझसे पूछेगा तो आए. अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में, चूंकि हेयर की बात आई है. मैंने सुना है कि बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही कम दामों में आप हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं. बाकी और सर्जन जो हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके लैक्स ऑफ, मल्टीपल लैक्स ऑफ रुपीज चार्जेस करते हैं. आप उस थाउजेंड ऑफ रुपीज में उस प्रोसीजर को करती है, कैसे पॉसिबल है आपके लिए करना? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज चार्ज करना ये सब हमारे हाथ में ही होता है. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है,
सेकेंडली हम पर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं एंड हम उसको इतना इकोनॉमिकल बना के रखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी उसके बारे में उस प्रोसीजर को करवाने के बारे में सोच पाए, ना कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि मॉडल्स या फिर सेलिब्रिटीज यही लोग सोच पाते थे, बट अब कॉमन बंदा भी सोचने लगा है बिकॉज अब उस सर्जरी के रेट्स भी काफ़ी डाउन हुए हैं, नॉट बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, बिकॉज हर डॉक्टर चाहता है कि अब एक कॉमन बंदा भी इस चीज़ के साथ मतलब ये इस टाइप का ट्रीटमेंट ले। तो ये रीज़न है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, बिकॉज एक ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है बालों का रीग्रोथ करने का, नेचुरल बालों का रीग्रोथ करने का इनफैक्ट। सो बहुत काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है जो कि सबको करवाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जिसके बाल कम हो उसको करवाना चाहिए, सबको नहीं कराना चाहिए। नहीं, कईयों को ये जरूरत भी होती है दैट उनके बाल अच्छे होते हैं लेकिन उनके बीच बीच में बाल पैचेस होते हैं, तो वो फिलिंग भी करवा सकते हैं। तो इवन फीमेल्स के लिए भी, पहले फीमेल्स नहीं करवाती थी, उनको लगता था कि ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है हेयर ट्रांसप्लांट, आजकल फीमेल्स भी करा रही हैं जिनको थिनिंग ऑफ हेयर हो रही है। तो इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप किस से करवा रहे हैं ये प्रोसीजर, क्योंकि आजकल अलग अलग मेडिसिन के लोग जैसे कि डेंटिस्ट, इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी, इवन बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उन लोगों को नहीं पता होते, बिकॉज दे आर नॉट, उनको उस टाइप की नॉलेज नहीं होती उतनी। सो मेरे अकॉर्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ा प्रोसीजर है बट एट द सेम टाइम कॉमन भी है। कॉमन, हाँ जी। तो इसको बिल्कुल इंसान को ये देखकर कि मुझे कहाँ से करवाना है, कौन सा डॉक्टर इसके लिए उपयुक्त है, एंड ये सब ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन से फाइट करना सिर्फ डॉक्टर को ही आता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डॉक्टर मेघा के पास कोई पेशेंट आता है फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट, शी इज वेरी केपेबल और बिल्कुल अच्छी तरह से उसके हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल कह सकते हैं, जो भी लास्ट लेवल तक की उसकी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं, क्या वो सब कर पाते हैं? यस, क्योंकि हर हेयर ट्रांसप्लांट का केस डिफरेंट होता है हमारे लिए। ओके, हम इवन वो वाले केसेस भी करते हैं जिसमें प्लास्टिक बर्न्स हो जाते हैं पेशेंट को और वहाँ कभी भी हेयर आने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, हम वो केसेस भी करते हैं और साथ में पहले ही हम पेशेंट को उसकी प्रोग्नोसिस बता देते हैं कि इसका कैसा रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट पेशेंट के खुद के बालों पे भी बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम कहें कि ये डोनर एरिया हमारा होता है, यहीं से बाल निकाल के हम आगे आपके बालों में लगा देते हैं, तो अगर आपका डोनर एरिया स्ट्रांग है तो आपकी ग्रोथ भी स्ट्रांग आएगी। सो इट डिपेंड्स हर एवरी पर्सन टू पर्सन। दूसरा, मैं डाइज के बारे में बात करना चाहूँगा, हेयर डाइज को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। 10 रुपये से लेके मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज की डाइज मार्केट्स में आ रही हैं, उनके कंटेंट्स, उनके इंग्रेडिएंट्स भी उसमें लिखे रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे ऑडियंस को ये जरूर बताइए कि जब वो पैकेट लें, भले ही 15 रुपये 20 रुपये वाला, भले ही वो 100 रुपये वाला लें, भले ही वो 500 रुपये वाला लें, तो उसमें क्या वो देखें। मेरे ऑडियंस को ये जरूर बताएं कि उसमें ये है तो मुझे चूज करना चाहिए, ये नहीं है तो मुझे चूज नहीं करना चाहिए, या ये उसमें है तो भी चूज नहीं करना चाहिए, ये जरूर बताइए। देखिए, अगर रियलिटी की बात करी जाए, हेयर कलर्स हो या फिर मेहंदी हो, इन सभी में एक केमिकल पाया जाता है PPD करके। वो केमिकल सभी प्रकार के लोगों के लिए हार्मफुल है। जब तक वो हार्मफुल नहीं है तब तक तो लगाते हैं हम, मैं खुद भी लगाती हूँ सच बताऊँ तो, लेकिन जब हार्मफुल होना शुरू हो जाए या एलर्जी होना शुरू हो जाए तो तुरंत उसको स्टॉप कर देना चाहिए। और ऐसा कोई भी मार्केट में हेयर कलर नहीं है जिसमें ये PPT केमिकल ना हो। आजकल कुछ फेस कलर्स आए हैं, क्योंकि मेरे पास उस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं जिनको हेयर एलर्जीज हो जाती हैं हेयर कलर्स की वजह से, तो हम उनको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं नए ऑर्गेनिक, बट उसमें भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी 10% PPD केमिकल होता ही होता है। विदाउट दैट कलर आपके बालों में कभी चढ़ेगा ही नहीं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं चलो कलर हेयर डाइज तो समझ में आती हैं, वॉट अबाउट मेहंदी? मेहंदी भी सेफ नहीं होती हैं, क्योंकि मेहंदी, एक्चुअल मेहंदी जो होती है वो तो पेड़ से तोड़कर पीस कर ही, क्रश करके ही लगाई जानी चाहिए, बट उसमें कलर लाने के लिए वो सारे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, तो कोई भी सेफ नहीं है अनटिल अनलेस इट इज नॉट, मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी एलर्जी, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो चाहे 5 रुपए की डाई हो या 500 रुपए की। हाँ, 500 रुपए की और 5 रुपए में एक डिफरेंस हो सकता है कि उसके जो दूसरे केमिकल कॉन्टेंट्स हैं जैसे कि अमोनियम, वो कम मात्रा में होंगे और वो बालों को टेक्स्चर को खराब नहीं करेंगे, बट केमिकल तो केमिकल ही है।
डॉक्टर मेघा, अगर मैं आपसे बात करूं जो हाथों पे लगाने वाली मेहंदी होती है, अभी थोड़ी देर पहले सेशन से पहले मेरी आपसे बात हो रही थी ऐसे ही जब हम कैजुअल टॉक कर रहे थे, जो हाथों पे लगाने वाली मेहंदी होती है उसमें अगर हम आंवला मिलाएं, उसमें यदि हम कॉफी मिलाएं, उसमें यदि हम बालछड़ मिलाएं जो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी होती है, चार पांच जड़ी बूटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, खस घास उसमें मिलाया जाए, तो क्या वो सेफ है बालों के लिए? हाँ, अगर वो नेचुरल मेहंदी का पाउडर है एंड आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, तो इट इज सेफ। ओके, वैसे मैं बता दूं, वैसे मैं मेहंदी बनाता नहीं हूं, बट मैं मेरी इच्छा हमेशा रहती है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताया जाए। तो ये कहना चाहिए कि जो हाथ पे लगाने वाली मेहंदी होती है, बाकी उसमें जड़ी बूटियां वगैरह मिला के जो हम लोगों को कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वो पूरी तरह से सेफ है। ठीक है। एंड एक आपका प्रोडक्ट और है जो काफी बूम मचा रहा है, सुआमला। तो उसके बारे में मुझे बताएं, क्योंकि मैंने काफी सुना है इसके बारे में, काफी पेशेंट्स से सुना है, अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अच्छा, क्या क्या इसके बेनिफिट्स तो है? मतलब सुआमला खाने वाले मेरे पेशेंट्स आपके पास आए हैं जिन्होंने सुआमला के बारे में? अरे क्या बात है, क्या बात है, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका उसके लिए। सुआमला बेसिकली एक प्रकार की मिठाई और दवाई है जो 110 रोगों में काम करती है। श्रांगदर संहिता आयुर्वेद का एक शास्त्र है, उसके हिसाब से हमने उसको बनाया है। पुराने पद्धति से जैसे वो बनना चाहिए वैसे हमने उसको बनाया है। सारंग मधुमक्खी का शहद हमने उसमें डाला है, डायबिटिक्स लोग भी उसको खा सकते हैं। उसके अलावा उसमें सफ़ेद तिल है, गुलाब जल है, केवड़ा है, प्रबाल पिष्टी है। मतलब वो एक न्यू बॉर्न बेबी को यदि आप खिलाएंगे वो भी बड़े चाव से खाएगा, एक वर्ष के बच्चे को खिलाएंगे या 100 वर्ष के बुजुर्ग को खिलाएगा, इतना ज्यादा वो स्वादिष्ट होता है। आपने तो शायद खाया भी होगा वो? नहीं, खाया नहीं है, बट सुना जरूर है। अच्छा, सुना जरूर है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है वो। और दवाई भी मिठाई भी हम लोग उसकी टैगलाइन के रूप में उसको यूज करते हैं, और वाकई में फैबुलस उसके रिजल्ट्स हैं। और भेजूंगा मैं आपके लिए वो, यदि आप बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल टेस्ट करना चाहूंगी। और आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों में भी सेफ है और बुजुर्गों में भी सेफ। हाँ, हाँ। इसके अलावा और बहुत सारे रोगों में वो काम करता है, फॉरगेटफुलनेस में काम करता है, और पेट के बहुत सारे रोगों में काम करता है, इवन स्किन डिजीजेस में वो काम करता है, जैसे कि सोरियासिस हो जाता है उसमें बर्निंग सेंसेशन, इचिंग बहुत ज्यादा रहती है, उसमें सूदिंग इफेक्ट देता है वो। तो आपके शायद आप मुझे बता रही थी, एक दो पेशेंट ने आपको बताया भी है कि मैम हमने सुआमला सुपर फूड की तरह डॉक्टर निशांत गुप्ता दवागर से मंगा के खाया है, तो बाकी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। चलिए, धन्यवाद, अच्छी बात है, मुझे जानने को मिला ये। डॉक्टर मेघा, डार्क सर्कल्स को लेके आजकल बहुत ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहे हैं, यूथ्स में भी हो रहे हैं, बुजुर्गियत में तो खैर कहना ही क्या, मुझे भी डार्क सर्कल्स हैं, तो कुछ सजेस्ट कीजिए। वैसे शायद मुझे लगता है कि मुझे तो डार्क सर्कल्स मेरी मदर को भी हैं और ब्रदर्स को, सभी को हैं, सिस्टर को हैं। तो ये आयुर्वेदा की भाषा में बात करूं तो इसको वंशानुगत यानी हेरिडिट्री बोला जाता है। तो हेरिडिट्री डार्क सर्कल्स का कोई तरीका है खत्म करने का? खत्म करने का नहीं, पर हाँ, इसको थोड़ा सा बेटर करने का तरीका तो है। अच्छा, जैसे कि कुछ एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जो कि हेरिडिट्री डार्क सर्कल्स को लाइटन अप करने में हेल्प करते हैं। ओके। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी के फिलर्स होते हैं। ओके। जो हम इन्फ्यूज कर देते हैं उससे स्किन हो जाती है स्ट्रेच एंड वो डार्क सर्कल्स थोड़े से कम दिखते हैं। एक होता है अंडर आई थ्रेड्स, जो कि उसमें डार्क सर्कल्स को और थोड़ा सा कम करने में हेल्प करते हैं। अंडर आई थ्रेड्स पीडीओ थ्रेड्स होते हैं, छोटे छोटे थ्रेड्स जो कि हम अंडर आई एरिया में डाल देते हैं, जो कि एंजियोजेनेसिस मतलब कि नई हम कह सकें धमनियाँ या नसें बनाने में कारगर होते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं। अच्छा। रेस्ट, सनस्क्रीन तो हमेशा लगाना चाहिए। लगाना चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि डार्क सर्कल्स को अगर वो हेरिडिटरी भी हैं तो उसको और डार्क होने से बचाता है सनस्क्रीन। एंड कुछ एक ऑइंटमेंट्स जो आती हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो भी लगानी चाहिए। तो मैं यदि आपके पास आऊँ मुझे कितने दिनों में आप जवां सुंदर बना देंगी दोबारा से? आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं। जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह मुझे हैं तो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा समय लगेगा बट ये हो जाएंगे। इसके लिए कुछ एक प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और साथ साथ कुछ ऑइंटमेंट्स, कंसेशन मिल जाएगा मुझे? जी बिल्कुल। चलिए, सनस्क्रीन की बात आई तो सनस्क्रीन हम विंटर्स में यूज कर सकते हैं या समर्स में ही यूज करना चाहिए? थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्रिया वो कैसे करती है, थोड़ा सा बताइए मेरे ऑडियंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। मुझे लगता है कि अगर अभी तक जितने सारे क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि नॉट बिकॉज मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ इसीलिए इसके बारे में बता रही हूँ, बट सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है जो कि हर सीजन में लगाना चाहिए एंड लोगों को एक्चुअली इसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है।
उनको लगता है कि समर्स में गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो हमें सनस्क्रीन लगाना है, लेकिन सन और धूप तो सर्दियों में भी होती है, रेनी सीजन में भी होती है, तो सनस्क्रीन हर सीजन में लगाना चाहिए। इसमें डिफरेंट टाइप के सनस्क्रीन आते हैं, वो पर्टिकुलरली आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी किस टाइप की स्किन है, तो स्किन टाइप के ऊपर हम सनस्क्रीन को देते हैं पेशेंट्स को। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन, एक होता है केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन एक बैरियर की तरह एक्ट करता है और केमिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होके अंदर से उसको प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि अंदर के जो जैसे डर्मल सेल्स जो होते हैं या एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सके। इवन खाने की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अंदर से अंदरूनी तरीके से सन से प्रोटेक्शन देती हैं, वो आपको ज़्यादा पता होगी। जैसे कि अगर हम देखें गाजर में बीटा कैरोटीन होती है, इट इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, तो वो हमें अंदर से सन से प्रोटेक्शन देती है, इसीलिए सर्दियों में लोग ज़्यादा गाजर खाते हैं, इसलिए उनको सनस्क्रीन फिजिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हर इंसान को लगानी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तभी लगाएं, घर के अंदर भी इसको लगानी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो यूवी लाइट्स हैं जो कि आजकल LED लाइट्स एंड दीज लाइट्स, दीज आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर योर स्किन, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और डार्क सर्कल में भी इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसी तरह से हो गया जैसे अभी अभी हम सुआमला की बात कर रहे थे, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये गर्मियों में खाया जाना चाहिए या सर्दियों में खाया जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि प्रकृति विंटर्स में भी इसकी पैदावार करती है और समर्स में भी इसकी पैदावार करती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आंवला में है, अमृत फल इसको बोला जाता है। तो क्या आपका आंवला को लेके, केवल मैं सुआमला की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आपका आंवला को लेके इस तरह का कोई एक्सपीरियंस अपने पेशेंट्स में या कहीं से है कि आपके किसी पेशेंट ने आपको बताया हो कि उसने हमारा सुआमला कंज्यूम किया या जस्ट उसने आंवला पाउडर या कच्चा आंवले का जूस उसने यूज किया और उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में बहुत आसानी हुई और जिसकी वजह से उसको एक्ने पिंपल्स वगैरह में बड़ा फायदा हुआ। ऐसे मेरे पास 3 से 4 पेशेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने ऐसा मुझे बताया है, एंड तभी मैं आपसे ही जानकारी लेना चाहती थी क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें और मिली हुई हैं। तो यस, ये काफी बेनिफिशियल रहा है मेरे पेशेंट्स के लिए। उन्होंने जैसा, मैं केवल सुआमला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आंवला की भी बात कर रहा हूँ। आंवला तो वैसे भी मतलब ये तो बहुत पुराने जमाने से मुझे लगता है कि एक ऐसा पदार्थ रहा है जो कि हर चीज में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और विटामिन सी वैसे भी एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि स्किन को नया बनाने में, स्किन के ग्लो में, बालों में, हर चीज में बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, आज एक मैं आपको टिक दे के भेज रहा हूँ कि यदि कहीं आपको किसी पेशेंट में लगे कि थोड़ा सा हठीला पेशेंट है तो उसको भले आंवला का जूस पिलवा दे, आंवला उसको कच्चा खिलवा दे, और अगर उसको थोड़ा सा स्वाद चाहिए तो उसको बोलिए हमारा सुआमला वो ले ले। हाँ, आपने शायद बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि जिस चीज से पेशेंट को फायदा हो वो जरूर इसको ले, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो। डॉक्टर मेघा, एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के बारे में यदि मैं बात करूँ तो क्या मेरे ऑडियंस को आप फटाफट बता पाएंगे कि एंटी एजिंग प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, किन लोगों को उससे बचना चाहिए? क्योंकि आजकल एक बड़ी फैंटेसी है पब्लिक के मन में कि एंटी एजिंग प्रोसीजर हमें कराना चाहिए। बॉलीवुड आर्टिस्ट को वो देखते हैं, वो भी कराते हैं, फेस लिफ्टिंग कराते हैं, ये सब प्रोसीजर्स जो हैं आप हमें पॉइंट टू पॉइंट, मैं चाहूंगा आधे आधे मिनट में फटाफट बताते चले जाइए मेरे। हाँ बिल्कुल, देखो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है ये बॉलीवुड के लोगों के लिए या सेलिब्रिटीज़ के लिए या मॉडल्स के लिए ही बने हैं, जबकि ये बड़े ही आम प्रोसीजर्स हैं। और सभी को मैं एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि इनके अंदर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि बोटॉक्स हो गया जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, फिलर हो गया जो कि हाइलुरोनिक एसिड के फिलर। सॉरी आपको हॉल्ट करूंगा, बोटॉक्स किस लिए मेनली यूज होता है थोड़ा सा बताइए? मसल रिलैक्सेंट के फॉर्म में यूज होता है बेसिकली। उसके और भी दूसरे यूजेस हैं इन मेडिसिन फील्ड, जैसे कि माइग्रेन में भी यूज होता है, हाइपरहाइड्रोसिस जिनको पसीने की बड़ी दिक्कत रहती है उसमें बड़ा यूज होता है, और एक ब्यूटिफिकेशन में कि रिंकल्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये मसल्स को वहीं का वहीं रोक देता है, पैरालाइज कर देता है और हमारे रिंकल्स नहीं बढ़ते हैं। उससे एक फ़ायदा हमें ज़रूर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं जब तक 50 की नहीं हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मैं बोटॉक्स नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों का जो आदि हूँ मैं तब होना चाहता हूँ। बट मैं ऑडियंस को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली बताना चाहती हूँ कि तब तक आपकी जो स्टैटिक लाइन्स हैं रिंकल्स होने की वजह से वो बन जाती हैं, वो बोटॉक्स भी ठीक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 30 के बाद ही जब भी आपको लगे, बोटॉक्स इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर, इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है जैसे कोई डरे,
तो ये करवा लेना चाहिए, जैसे कि उनके जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट रहे और स्टैटिक लाइंस ना बने. स्टैटिक लाइंस वो होती हैं जो कि बिना एक्सप्रेशन के भी हमारे चेहरे पे दिखाई देती हैं. ओके. हाँ जी, तो वो उसमें हेल्प करता है. सेकेंड प्रोसीजर इज फिलर, जो कि हाइलूरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं जो कि हम स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं. उसके अंदर कोलाजन बूस्टिंग पावर होती है. तो कोलाजन आपको तो पता ही है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है स्किन में और हेयर में, इवन जॉइंट्स में, बहुत सारी जगहों पर, है ना. तो फिलर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ वो हमारे हमें ब्यूटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा एजिंग के साथ वॉल्यूम लॉस होता है, फैट पैड्स हमारे कम होने लगते हैं, तो फिलर्स उसको एक तो वॉल्यूम देता है, साथ साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जैसे कि कोलाजन इंडक्शन में ये हेल्प करता है. थर्ड इज थ्रेड लिफ्ट. थ्रेड लिफ्ट होता है फेस लिफ्ट, जो कि अब तक लोगों को ये लगता है कि नहीं, अंदर कोई चीज़ इनविजिबली जाएगी तो कितना डेंजरस ना हो, वो बिल्कुल डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो इतने पतले थ्रेड्स होते हैं जो कि हम लिफ्टिंग में हेल्प करते हैं एंड वो अंदर ही डिजॉल्व हो जाते हैं. और इनके अंदर भी क्या कहते हैं, कोलाजन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज और इलास्टिन बनाने की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो ये सारे ही प्रोसीजर्स सेफ हैं. ये तो मैंने आपको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में बता दिया. आजकल कुछ एक लेजर्स भी आए हैं मार्केट में, जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है या इस टाइप के प्रोसीजर, नहीं नहीं दे आर वेरी स्केर्ड, तो उनके लिए लेजर्स हैं जैसे हाइफू, जो कि एक अल्ट्रासाउंड वेव्स का लेजर है. वो हेल्प करता है आपकी स्किन की टाइटनिंग में, कोलाजन बूस्टिंग में, और धीरे धीरे पुराने कोलाजन को ख़त्म करके नए कोलाजन को बनाने में. ओके. जी, दूसरे लेजर हैं फ्रैक्शन CO2 रिसर्फेसिंग लेजर, वो भी स्किन रेजुविनेशन में इसी तरह से हेल्प करते हैं. क्योंकि ये सारे ही प्रोसीजर्स में हम क्या करें, वी आर एक्चुअली गिविंग इंजरी टू द स्किन. इंजरी करने के बाद जो हमारा नेचुरल प्रोसीजर है, प्रोसेस है हीलिंग का, वो बहुत कारीगर रखता है हमारी स्किन को बेटर यूथफुल बनाने में. तो ये सारे प्रोसीजर्स बहुत सेफ है. दोबारा से फिर मैं आयुर्वेदा पे आता हूँ कि आपको आयुर्वेदा पर कितना विश्वास है और कितना विश्वास नहीं है, ताकि मेरी ऑडियंस को भी लगे कि मैम जो है एक एलोपैथ सर्जन है और स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी भी करती हैं बड़ी अच्छी तरह से. आपने बात की एलोवेरा की, आपने बात की हल्दी की, आपने बात की मुल्तानी की, तो क्या आप हमारे पेशेंट को ये एड्रेस करना चाहेंगे कि मार्केट में जो भी मुल्तानी सोप आ रहे हैं, हल्दी सोप आ रहे हैं, एलोवेरा सोप आ रहे हैं, केसर वाले सोप आ रहे हैं, वैसे केसर किसी सोप में होता नहीं है, मैं भी अपनी ऑडियंस को एड्रेस करना चाहूँगा, वो केवल कहने भर की बात होती है, तो क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, आपको पहले लगता रहा हो कि नहीं हल्दी वाली जो क्रीम्स हैं जिसमें नेचुरल वाकई में हल्दी होती है, वाकई में जिसमें एलोवेरा होता है, मुल्तानी होती है, शायद आपको 10 साल पहले ऐसा लगता रहा होगा पढ़ाई के दौरान कि ये क्या करती होगी, बट प्रैक्टिस में जब आप आए, प्रैक्टिकली जब आपने देखा, तो वाकई में क्या आपने एक्सपीरियंस किया कि ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं पेशेंट के लिए? मैंने एक्चुअली अगर मैं ये बताऊँ, जब मैं डॉक्टर नहीं बनी थी तब तो मुझे लगता था कि शायद हो सकता है, बट अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेचुरल फॉर्म ऑफ हल्दी है वो एक प्रिजर्वेटिव के साथ अगर हम ट्यूब फॉर्म या किसी भी इस फॉर्म में डालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कम ही होगा, एक्ट बढ़ेगा नहीं. तो आप इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस पे थोड़ी सी रोशनी. आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है कि जो मार्केट अवेलेबल जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं जिसमें दावा किया जाता है कि उसमें केसर है, उसमें क्रीम है, उसमें दूध है, उसमें एलोवेरा है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स आप देखिए वो एक तरह का कच्चा फल निकाल के उसका रस निकाला गया है, उसमें प्रिजर्वेटिव आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव उसमें लगेगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा. तो अपनी ऑडियंस को आपके थ्रू आज मैं ये भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि हल्दी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज की तरह बहुत बेहतरीन काम करती है, लेकिन वो तब काम करेगी यदि आपको इसको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ आप उसको हनी में मिलाकर अगर आप उसको यूज करते हैं अपने चेहरे पे. आप अपने पेशेंट को किसी को यूज कराइएगा, एक उसका पेस्ट बना के शहद और हल्दी, वो बहुत ज्यादा तेजी से काम करेगी. आपको शायद ऐसा लगता होगा कि वो स्किन कैसे अब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा कि अगर मैं इसको साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको बताने लगूं कि कैसे अब्सॉर्ब करेगी, बट हल्दी और शहद का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बट वो तब काम करेगा जब आप उसको घर में ताजा ताजा बनाइए. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैम. चेहरे को बार बार धोते रहने से कितना फर्क पड़ता है? कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि चेहरे को यदि हम बार बार गर्मियों में अक्सर धोते रहेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. नहीं, चेहरे को बार बार धोने से इसके जो नेचुरल ऑयल्स हैं
वो सारे मिट जाते हैं। अच्छा। और जो नेचुरल ऑयल्स के अंदर हमारे बहुत सारे अच्छे और बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना? तो बुरे बैक्टीरिया तो चलो एक या दो बार धोने से हो जाते हैं, लेकिन अच्छे बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं। तो हमारे जो नेचुरल ऑयल है वो हमारा जरूर चला जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेटेड स्किन हो जाती है और डल स्किन में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग बार बार मुंह नहीं धोना चाहिए। हमारी त्वचा के अंदर जो एक तत्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है मेलानिन, जो अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारी त्वचा को कलर देने का काम करता है। जी, टेक्सचर देने का, कलर देने का वो काम करता है। तो वो मेलानिन को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं अपनी स्किन के अंदर, ताकि एक एज तक जाके हमें जो नेचुरल टोन अपनी स्किन की चाहिए वो हमारी बरकरार रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, सनस्क्रीन, क्योंकि मेलानिन कंटेंट आपका तभी बढ़ता है जब आप सन एक्सपोजर में जाते हैं, तो वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है बढ़ने का। तो उसको प्रोटेक्ट करें सनस्क्रीन लगाकर। एंड आजकल बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल्स भी आ रहे हैं जो कि इंटरनली आपकी स्किन को ग्लोइंग का काम देते हैं। मेलानिन कंटेंट को पूरी तरह कम नहीं करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं उसके लेवल्स को, उनके सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। एंड वो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, नेचुरली सनस्क्रीन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करते रहना चाहिए जिससे हमारी स्किन टोन बनी रहे और बरकरार रहे। बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये कॉन्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट धीरे धीरे इसको कम करना है। अगर कोई टैनिंग हो चुकी है किसी बंदे को, कुछ लोग सोचते हैं अब टैनिंग हो गई है तो हम उसको स्क्रबिंग करें, कभी भी टैनिंग स्क्रबिंग से नहीं जाएगी। हमें 3 से 4 हफ्ते वेट करना चाहिए कि वो अपने आप स्किन नहीं बनेगी और फिर नॉर्मल आपका जो मेलानिन कंटेंट है वो वापस आ जाएगा। एंड कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप सन एक्सपोजर में जाएं तो फुल स्लीव्स के क्लोथ्स या अम्ब्रेला कैरी करें। लोगों को थोड़ी सी ऑकवर्ड लगता है कि अम्ब्रेला कैरी करना, बट इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली द डार्क कलर्ड अम्ब्रेला। गोरे लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं काले लोगों की बनिस्बत, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ब्लड ग्रुप में सच्चाई जरूर है। अच्छा। कि कुछ पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप्स को मच्छर ज्यादा काटते हैं, उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। जैसे कोल्ड ब्लडेड लोग जो होते हैं उनको मच्छर कम काटते हैं, वार्म ब्लडेड लोग जो होते हैं उनको मच्छर ज्यादा काटते हैं। तो ये डिफरेंस हो सकता है, बट कलर से ऐसा कोई नहीं होता। ब्लैक लोगों में या यू कैन से सांवले लोगों में दिखता नहीं है, लेकिन व्हाइट लोगों में दिख जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंस। विटामिन बी कंटेंट वाली गोली या कैप्सूल खाने से मच्छर नहीं काटेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने भी सुना होगा समाज में ऐसी प्रचलन? मैंने फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हमारे एरियाज में ऐसे हैं, कहते हैं वो विटामिन बी वाली गोली कैप्सूल खाने से मच्छर नहीं काटते हैं, बीकोसूल खाने से नहीं काटते हैं। ये मुझे लगता है कि पक्का उनको किसी डॉक्टर ने जब बताया होगा इसीलिए बताया होगा कि ताकत तुम्हारे अंदर रहेगी तो मच्छर कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि विटामिन बी डेफिनेटली आपकी नर्व्स को ताकत प्रदान करता है। तो मे बी ये एक बिलीफ हो सकता है। गर्मी आ रही है बहुत तेजी से, आ ही गई है, अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखा जाए घरेलू तौर पे? तो घरेलू तौर पे एक तो मैं आपको पहले स्किन केयर रेजीम, एक बेसिक स्किन केयर रेजीम जो मुझे लगता है हर इंसान को फॉलो करनी चाहिए, उनमें से सबसे पहले होना चाहिए क्लिनजिंग, कि आप अपनी स्किन को क्लीन रखें। दिन में बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बिल्कुल ही सेंसिटिव क्लिनजर से मॉर्निंग इवनिंग 2 बार एटलीस्ट क्लिनज करें। क्लिनज करने के बाद मॉइस्चराइज ज़रूर करें। लोगों को लगता है अब समर आ गए हैं, पसीने आते हैं, तो हम मॉइस्चराइज़र ना लगाएं। मॉइस्चराइज़र विंटर्स में ही लगाना चाहिए ड्राइनेस के लिए, नहीं। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को रेप्लेनिश करने में, सेल का टर्नओवर बढ़ाने में और स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो बहुत ज़्यादा बार नहीं, जैसे विंटर्स में अगर आप 4 बार लगा रहे हैं तो समर में आप 2 ही बार लगाइए, बट मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड थिंग जो कि मैं बार बार एम्फोसिस दे रही हूँ, सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें अगर आप बेसिक करते हैं तो और मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बट हाँ, अगर और कोई प्रॉब्लम है, जैसे एजिंग की प्रॉब्लम है या ग्लो की प्रॉब्लम है, डलनेस की प्रॉब्लम है या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, देन हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट ये बेसिक चीज़ें क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। स्किन क्लिनजिंग के लिए स्टीम को कितना रेकमेंड आप करेंगे, भले ही चाहे गर्मियां हों चाहे सर्दियां हों, स्टीम ली जा सकती है? स्टीम इज नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर द स्किन, क्योंकि हमें लगता है कि उससे पोर्स खुल जाते हैं, जो पहले का बिलीफ हुआ करता था, पोर्स खुल जाते हैं और उससे जो चीज़ें हैं हमारा, जो भी जो हम उसमें सीरम या कुछ लगाना चाहते हैं वो अंदर चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर जो परमेबल चीज़ें आई हैं आजकल मार्केट में और वो परमेबल हैं स्किन के लिए, वो ऐसे भी जा सकती हैं। थोड़ा बहुत स्टीम वैसे आपकी नेजल थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि नेवल थ्रोट आपके साइनसेस इससे क्लियर हो जाते हैं, आपके मेंटल ब्लॉकेज कम हो जाती है, तो दिस इज़ गुड इन अदर वे। साबुन के बारे में हम लोग बात कर चुके, शैम्पूज के बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू करके टारगेट किया जाता है शैम्पूज को, तो क्या वाकई में शैम्पू एंटी डेंड्रफ होता है जी? क्या वाकई में उसमें विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, ये वो सब बताया जाता है, क्या ये मार्केटिंग स्टंट नहीं है? जी है, बिल्कुल है, मार्केटिंग स्टंट के उस फॉर्म में है। जो लोग कहते हैं कि शैम्पू करने से हमारा ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल शाइनी हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शैम्पू का जो कॉन्टैक्ट पीरियड होता है स्कैल्प में बहुत ही कम मिनट्स का होता है, मतलब सेकंड्स का मैं कहूँगी, लगा के जस्ट वॉश हो जाता है, तो कितना आपके बालों में एब्जॉर्ब हो रहा है ये सबको ही पता है कि नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन एंटी डेंड्रफ शैम्पू जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होता है कीटोकोनोवोल, वो एंटी डेंड्रफ की तरह काम जरूर करता है, बट उसका कॉन्टैक्ट पीरियड हमेशा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 5 से 7 मिनट उसको रखना चाहिए बालों में। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको डैंड्रफ होता है और उनको अच्छे से बताया नहीं जाता, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाने का अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि उसको कम से कम 5 से 7 मिनट रखा जाना चाहिए, जिसके बाद वॉश होए वो, रिंस होए। बट और जो चीज़ें आती हैं कि हेयर ग्रोथ, हेयर टेक्सचर, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है पब्लिसिटी स्टंट। बालों में से गंदगी निकालने के लिए मैं साबुन का यूज़ करूँ या शैम्पू का यूज़ करूँ, या फिर दोनों एक ही है, कुछ भी यूज़ कर लीजिए? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा ये जाता है, ब्यूटिशियंस के यहाँ हम लोग जाते हैं तो वो शैम्पू करके आपको फैंटेसी बनाएंगे कि शैम्पू किया है तब उसके बाद कटिंग किया एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, क्या दोनों चीजें मोटे तौर पे एक ही हैं या अलग अलग हैं? शैम्पूज में थोड़ा सा जो हार्श कंटेंट होता है वो कम होता है, जैसे सल्फेट्स हो गया, ये सारी चीजें कम होती हैं। साबुन थोड़ा हार्श होता है टू रिमूव द डर्ट ऑफ द बॉडी, लेकिन शैम्पूज में थोड़ा सा हार्श कंटेंट कम होता है। साथ साथ आजकल एक कंडीशनर का बड़ा ट्रेंड है, कंडीशनर जरूर लगाना है शैम्पू के बाद, तो वो एक्चुअली लोगों को लगता है, पूछते हैं वो मुझसे आके, क्या ये ज़रूरी है? वो ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वो आपके बालों को डीटैंगल होने में हेल्प करता है, और जितना डीटैंगल बाल रहेंगे उतना बालों का हेयर फॉल कम होएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इवन एक और चीज़ है हेयर स्पा, लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये बस एक मसाज है या क्या, दे आर गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी मसाज हो रही है, आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है और वो ग्रोथ में और आपके टेक्सचर में हेल्प करता है, तो हेयर स्पा भी लेने चाहिए, लेना चाहिए। मेरा अपना कोई सैलून नहीं है वैसे बट मैं, मुझे लगता है ये सारी चीजें लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर मेघा, कोलेजन का नाम आजकल बड़ा सुनने को मिल रहा है, बहुत ही ट्रेंड में है, मुझे लगता है कि हार्डली 2-3 सालों से ये बहुत ही हाइप में आ चुका है आजकल। तो क्या कोलेजन के बारे में मैं कुछ पहले बेसिक चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ कि कोलेजन होता क्या है, कहाँ से बनता है और क्या हमें इसे बाहर से कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। कोलेजन जो होता है ये एक ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, ठीक है। ये बनते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स करके कुछ होते हैं, उसके अंदर ये बने जाते हैं, इसीलिए इनका जो निर्माण होता है वो अंदर से ही होता है यूजुअली। और इसमें कई सारे टाइप्स के कोलेजन 1, कोलेजन 2, कोलेजन 3, कोलेजन 4, डिफरेंट टाइप्स के कोलेजन होते हैं, वो डिफरेंट जगहों पर एक्ट करते हैं, जैसे जॉइंट्स के लिए अलग कोलेजन है हेल्प करता है, स्किन एंड हेयर के लिए अलग कोलेजन हेल्प करता है, तो ये बहुत ही यू कैन से बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को, हमारी जो फैगिंग है उसको बचाने में हेल्प करते हैं। बट 25 की एज के बाद से ही हमारा जो कोलेजन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए आजकल सप्लीमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कोलेजन के। तो लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या मरीन कोलेजन अच्छा होता है या प्लांट बेस्ड। एक्चुअली तो मरीन कोलेजन ज़्यादा बेहतर होता है जो कि नॉन वेजिटेरियन है, जो कि फिश की बोन्स से और डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स से बनता है एंड विच इज़ मोर हेल्पफुल। बट प्लांट बेस्ड कोलेजन इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करने में। सो आप दोनों ही कंज्यूम कर सकते हो, बट अगर बेटर की बात की जाए तो मरीन कोलेजन, और बाहर से हमें कंज्यूम करना चाहिए बट हमेशा ही डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे टाइप के कोलेजन आ रहे हैं, यू नेवर नो कि ये पाउडर है या असली में कोलेजन है, तो जो भी रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वही हमें यूज़ करने चाहिए, तो कोलेजन इज गुड। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं
कि आयुर्वेद में मरीन को बोला जाता है जलज, और दूसरा आपने बताया प्लांट बेस्ड, उसको बोला जाता है वानस्पतिक। हाँ जी, ठीक है, okay. आप भी टर्मिनोलॉजीज याद करते रहिए ताकि जी, मुझे भी ऐसे याद हो गई सब चीजें कि इंग्लिश में इसको ये बोला जाता है और आयुर्वेदा में इसको ये बोला जाता है। नहीं, मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एक्चुअली। नहीं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कुछ सिखा पाऊँ किसी को। एनीवेज, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि हर प्रोफेशनल की प्रोफेशन में, लाइफ में, एक्सपीरियंस में कोई ना कोई चीज ऐसी आती है कि जब लगता है कि नहीं, मैं इस पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाऊंगा, या केवल ट्रीटमेंट की बात नहीं है, क्या आपके एक्सपीरियंस में कभी कुछ ऐसा आया है कि पेशेंट बड़ा परेशान होता हुआ आपके पास आया हो, आपको भी लगा हो कि नहीं, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये तो बड़ा टीडियस प्रोसेस है, और दो या तीन या चार दिन में या एक हफ्ते में आपको लगा हो कमाल हो गया? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता था और ऐसे रिजल्ट्स आ गए। ऐसे मल्टीपल केसेस आए हुए हैं हमारे पास। अच्छा। कई बार स्किन में इतनी सारी बीमारियां होती हैं कि उनको डायग्नोज नहीं किया जाता, लेकिन उनके डायग्नोसिस बनाने में जो इंटरेस्ट डेवलप होता है और उसके बाद वो पेशेंट हमारी जो ड्रग से या थेरेपी से ठीक हो जाता है, तो वो हमारे को बड़ा अचंभित कर देता है। हाँ, एक ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग अभी रिसेंटली केस हुआ है। मेरी एक पेशेंट थी जिनका मस्कुलर पुल की वजह से एक आईब्रो अप था। अच्छा। एंड इसमें कोई मुझे ड्रग थेरेपी नहीं स्टार्ट करनी पड़ी, तो उनको किसी डॉक्टर ने बताया था कि उनकी सर्जरी होगी जहाँ से एक कट लगा के मसल को काट के उसको इक्वल कर दिया जाएगा, आईब्रोज को, एक ऊपर थी एक नीचे थी। लेकिन फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा हम एक और प्रोसीजर होता है जैसे कि बोटॉक्स, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम उसको एक बार कोशिश करके देख सकते हैं कि वो इक्वल करने में हेल्प करेगा। एंड एक्चुअली मैंने वो ट्राई किया एंड 4 days में शी गॉट वंडरफुल रिजल्ट, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी कि चलो मुझे सर्जरी में नहीं जाना पड़ा, मेरे कुछ फ्यू इंजेक्शन से मेरा काम सॉर्ट हो गया, नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। तो यस, ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। दैट्स ग्रेट। जो टेम्प्ररी विग्स आते हैं उसको कितना आप सजेस्ट करती हैं, यदि कोई व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या आपको लगता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन पर, स्काल पर, क्रेनियम पर डालते हैं? यस, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल लोगों के लिए फिजिकल प्रेवेंटेबल होना, फिजिकली प्रेवेंटेबल होना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले के ज़माने में इतना नहीं सोचा जाता था, बट आजकल एवरीबडी, जब से ये सोशल मीडिया सब आया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब अपनी पिक्चर डालना चाहते हैं इन गुड क्लोथ्स एंड गुड हेयर, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मेंटल इम्पैक्ट तो डालता है। और हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बिल्कुल ज़ीरो से यस में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होके कुछ आ जाता है, तो इट्स अ मैजिक बेसिकली फॉर द पेशेंट, क्योंकि जैसे ही वो ग्रोथ देखता है एकदम से, मतलब कहते हैं ना बहुत अच्छी ग्रोथ देखता है, तो वो एकदम से खुश हो जाता है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है मेरी लाइफ में। तो यस, मेंटल इफेक्ट होता है हेयर लॉस का। इसके लिए जिन लोगों को थोड़ा सा फोबिया है हेयर ट्रांसप्लांट से, और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हेल्प करते हैं हेयर रीग्रोथ में, जैसे कि कुछ थेरेपीज होती हैं, PRP थेरेपी, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वन इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट थेरेपी। ये दोनों ही थेरेपीज आपके ही ब्लड से हम बनाते हैं। अच्छा। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड हम निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से जो कॉन्टेंट होता है जैसे कि ग्रोथ फैक्टर कंसनट्रेट या फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको अलग करके हम बालों में इंजेक्ट करते हैं। ग्रेट। एंड दे हैव ट्रिमेंडसली गुड इफेक्ट। सो अगर जो पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करवाना चाहता एंड वॉन्ट्स कि मेरे वापस अच्छे बाल हो जाएं और स्ट्रेंथ मिल जाए मेरे बालों को, तो वो ये वाले प्रोसीजर ऑप्ट कर सकता है। हीमोग्लोबिन यदि मेरा 8-9 के आसपास है, तो क्या मैं प्रोसीजर करा सकता हूँ? जी, करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको कुछ एक मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15-20 ml ब्लड लेने से आपका हीमोग्लोबिन को कुछ होगा नहीं। 15-20 ml, दैट्स ऑल, है ना? तो हीमोग्लोबिन पे लेकिन वर्क करना जरूरी है, क्योंकि आप बाहर से तो प्रोसीजर करा रहे हैं लेकिन अंदरूनी ही आप अनीमिक हैं, तो आपके बाल वैसे ही झड़ेंगे और ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा प्रोसीजर का, तो मेडिकेशंस लेना भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर मेघा, 3 points में आपसे ऐसे जानना चाहूंगा कि यदि वो फॉलो किए जाए तो यूथ का जो हेयर फॉलिंग है वो बहुत हद तक रुक जाए, वो क्या क्या डूज एंड डोंट्स बताइए फटाफट, क्विक रेकनर जिसको बोला जाए। देखिए, 3 important points ये हैं जो कि कहीं ना मेडिसिन से रिलेटेड है ना प्रोसीजर से रिलेटेड है। पहला, जो आजकल का यूथ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, दे आर इनटू गैजेट्स, तो उनका जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है बालों पर, तो वो हेयर लॉस में कॉज करता है। तो जितना आप खेलेंगे, जितना कूदेंगे, आपके बाल उतने ही हेल्दी होंगे।
तो क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स इसमें रिलीज होते हैं जब आप खेलते हैं कूदते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही है. सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस. आजकल बिना किसी बात का बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं, यूथ स्पेशली स्ट्रेस ले रहा है. किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस हो रहा है, किसी को स्पोर्ट्स का स्ट्रेस हो रहा है, किसी को काम का स्ट्रेस हो रहा है. तो ये स्ट्रेस लेवल भी मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड कारण है, और इसको भी कम करा जाए, चाहे वो खेल के कूद के या जो एक्टिविटी उन्हें अच्छी लगती है, मेडिटेशन करके, या आप इसके बारे में लाइट डालेंगे. एंड थर्ड थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डाइट. आजकल के बच्चों की जो डाइट है बहुत ही न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट डाइट है, तो वो उनको बहुत हार्म कर रही है उनके हेयर फॉल में और इवन हेयर ग्रेइंग में. मैंने 13 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के लोगों में ग्रेइंग ऑफ हेयर देख रही हूँ मैं आजकल, जो कि पहले नहीं मिलता था, और वो भी डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं, तो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. तो ये 3 फैक्टर हैं, अगर ये सारे सॉल्व हो जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ का हेयर फॉल भी रुक जाएगा एंड ग्रोथ भी बढ़िया होगा. नियमित दिनचर्या यदि किसी व्यक्ति की हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने हेयर हेल्थ को बड़ा मेंटेन रख सकता है. क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ जी बिल्कुल. सही समय पर खाना, बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं. आई थिंक आप इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो आप बताएं. हाँ, मैं इसके बारे में, इसलिए मुझे क्वेश्चन आया कि बहुत सारी ऑडियंस मुझे कह देती है आपके बाल भी तो कम हैं, तो मैं कहता हूँ भैया हमारा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि हम तो कई बार सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते, सीधा हमने लंच किया, कई बार लंच भी नहीं कर पाते, सीधा डिनर किया, कई बार बीच में ऐसे ब्रंच कर लिया. और ये हकीकत है, रात को कई बार 12-1-2 बजे तक बैठ के पढ़ते रहे या कुछ प्लान करते रहे, सुबह को 3-4-5 बजे उठ गया, हमारा तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता. तो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग हेयर हेल्थ चाहते हैं उनका नियमित खान पान हो. और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो खान पान आजकल बिगड़ गया है, और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो ब्राउन ब्रेड वगैरह और ब्राउन आटा, राइस, नूडल्स वगैरह, ये सब क्रैश है. शायद आप भी मानती होंगी, सिर्फ ये मार्केटिंग स्टंट है, क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड है उसमें कलर लगाया जाता है, उसमें एसेंसेस लगाए जाते हैं, उसको पेश कर दिया जाता है आपके सामने जैसे कि आटा, होल आटा ब्रेड है, जबकि वो होल आटा ब्रेड होती नहीं. ना वैसे नूडल्स, नूडल्स को जैसे बनना है, अगर वो आटा से बनाया जाएगा तो नूडल्स की शेप ले ही नहीं पाएगा. True, very true. आप उसको अगर उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि वो डुरम नाम के गेहूं से बनता है, जिसकी रोटी नहीं बन सकती, उसका नूडल ही बन सकता है, तो ही आप उससे नूडल बना पाएंगे. तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे. बिल्कुल रखती हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड्स हैं जितने भी हैं, और कभी भी प्रोसेस्ड फूड्स में आपको कभी कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. तो ये हमेशा इंसान को ध्यान रखना है कि जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, प्रोसेस्ड इज ऑलवेज प्रोसेस्ड. तो चलिए, अच्छा लगा डॉक्टर मेघा जान के कि आप आयुर्वेदा में भी कहीं ना कहीं बिलीफ बिल्कुल है आपका. यस, मेरे तो घर में ही आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, सो अच्छा जी. चलिए, कभी मुलाकात कराइए घर वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर से. बिल्कुल. दूसरी बात, बहुत अच्छा सेशन रहा है. मैं बात करूं डॉक्टर मेघा से कि यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाले प्रोसीजर्स कराने हैं, 1 से लेके 6, 7, 8, 10 तक, तो कौन से प्रोसीजर्स के लिए मैं डॉक्टर मेघा के पास जाना चाहिए? आपको या सबको? पूरे मेरे ऑडियंस को. सारे ही एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए आप आ सकते हैं, लाइक बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, लेजर्स. हमारे पास हर टाइप के लेजर्स हैं, चाहे वो लेजर रीसर्फेसिंग लेजर हो, पीको लेजर हो फॉर पिगमेंटेशन, केमिकल पील्स के लिए आ सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ सकते हैं, PRP, GFC, सो ऑल एन नंबर ऑफ प्रोसीजर. फैट रिडक्शन ऑल्सो, वी आर डूइंग फैट रिडक्शन ऑल्सो. डॉक्टर मेघा, दोबारा से एक क्वेश्चन पुटअप करना चाहूंगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मेरे ऑडियंस को बताइए कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो मेरे पास आइए. आप उसका टेक्निकल नेम प्लीज ना बताइए, आपको उसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बताइए. ठीक है, अगर आप मोटे हैं तो मेरे पास आइए, मैं उसको पतला कर सकती हूँ. अगर आप एज कर रहे हैं तो मेरे पास आइए, आपके रिंकल्स, आपकी एजिंग, आपकी फैगिंग, ये सब मैं ट्रीट कर सकती हूँ. एंड अगर आपको एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो भी मैं ये सारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ. हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के इश्यूज हैं, वो भी मैं देख सकती हूँ. तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं. वाकई में बड़ा मजेदार सेशन रहा आपके साथ डॉक्टर मेघा, और थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. हम चाहेंगे कि दोबारा हमारे साथ आप जरूर बैठें, समय जरूर निकालें. बहुत दिन से आपको हम इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप टाइम नहीं दे पा रहे थे. धन्यवाद आपका. और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह के सेशंस होते रहने चाहिए. बिल्कुल, ये मेरे लिए भी बहुत नॉलेजेबल है, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदा के बारे में भी जानी है, तो दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज इंसान को हमेशा लर्न करते रहना चाहिए एंड
इट्स अ प्रोसेस, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आपसे बहुत सारी जानकारी लेकर। और दोस्तों एट लास्ट आप सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जुड़े रहिए हमारे साथ, फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लें और मज़ा ही तो आ जाएगा। थैंक यू।